बिना शादी किए अपनी मांग में सिंदूर भरे अपने कोख में पल रहे बच्चे को उसके पिता का नाम दिलाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे बालिक भागलपुर की सिमरनपुर थाना क्षेत्र के रानी दियारा की रहने वाली ममता कुमारी है। पिछले कई दिनों से सिमरनपुर थाना महिला थाना वरीय पुलिस अधीक्षक और आरक्षी उप महानिरीक्षक के कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुकी है। युवती जब पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते लगाते थक गई तो अब थक हार कर वो न्यायालय की शरण में आई है। उसे भरोसा है कि कोर्ट उसके होने वाले बच्चे को उसके पिता का नाम दिलवाने में मदद करेगी। ममता का कहना है कि पिछले 3 सालों से गांव का ही रहने वाला विश्व सिन्हा साधी का प्रलोभन देकर उसका यौन शोषण कर रहा था और जब वो गर्भवती हो गई तो अब वो उससे शादी करने से इनकार कर रहा है। मेरे साथ लड़का शादी का झांसा देके और मेरे साथ 3 साल से रिलेशन में, आज हम 4 मंथ का गर्भवती हो गए तो वो कहीं और शादी कर रहा और कहता तुमको हम साइड से रखेंगे, तुमको के रखेंगे और मुझे इस बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। वो मतलब कि जाते थे हमको लेके यहाँ वहाँ कहीं भी घूमने के लिए तो लेके जाते थे कभी कभी। थाना अभी SP सर के पास गए हैं और महिला थाना भी जा रहे हैं और DIGC सर के पास जाएंगे। क्या कहा गया थाना के द्वारा तुमको शिवनारायणपुर में? थाना में हम जब ये कंप्लेन करने गए तो बोल रहे कि नहीं ये आवेदन से नहीं FIR होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। वहाँ से भगा दिया गया हमको धक्का मार के। कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ से हम खाएंगे पिएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कोई देखने वाला नहीं। SP क्या बोले? SP सर बोले कि FIR हो जाएगा। कब गए थे आप लोग? कल गए थे। तब उसके बाद भी नहीं हुआ? कल गए थे तो बोले FIR हो जाएगा। और उसके बाद भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। थाना क्या कहा? थाना गए कल तो मतलब बोला कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हाँ। धक्का मार के बाहर कर दिया हमको। थाना पे भी हम मतलब 8-10 दिन से पहले जा रहे थे कि सर कुछ कीजिए, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, हम कहाँ जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है हमको। 4 माह की गर्भवती युवती जब युवक के घर गई तब लड़का के घर वालों ने उसे धक्का देकर भगा दिया और कहा कि 13 दिसंबर को युवक की शादी होगी, तुमको जो करना है कर लो। वहीं अब युवती अपने बच्चे को पिता का नाम दिलाने थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों तक के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है लेकिन उसकी गुहार अभी तक कहीं से भी नहीं सुनी गई। वो अब कोर्ट में मामला दर्ज करने के लिए अधिवक्ताओं के पास पहुंचकर मामला दर्ज कराकर कोर्ट से ही न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। अपने पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान एक पीड़िता कभी भागलपुर के SSP कार्यालय, कभी DIG कार्यालय तो कभी DM कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाती दिख रही है। अपने हाथ में पति का फोटो लिए जिसमें उसका पति कट्टा लिए दिखाई दे रहा है को दिखाकर पागल की तरह लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। प्रीता की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र की अंगारी निवासी पप्पू पासवान की पुत्री संजना कुमारी के रूप में हुई है। वो इंसाफ के लिए पुलिस महकमा और जिला प्रशासन की ओर टकटकी भरी निगाहें लगाए बैठी हैं। भागलपुर के कलेक्टोरेट गेट पर आंखों में आंसुओं का गुबार, दिल में आश्वासन का चट्टान और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के अलावे हर आने जाने वालों से मदद की गुहार लगाती संजना पूरी तरह से टूट चुकी है। स्थानीय थाना और महिला थाना के अलावे जिले के तकरीबन सभी अधिकारियों के चौखट पर न्याय मांगने पहुंची लेकिन जब नाउम्मीद होकर लौटी तो अब खुद को रोक नहीं पाई और फपक फपक कर रो पड़ी। सभी से दरखास्त बस इतनी कि मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दो और वहां दाल रोटी के साथ पति का प्यार मिले, बस ये काम कोई तो करा दो। संजना की माने तो लोदीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी झारू पासवान के बेटे बंटी पासवान से पिछले साल 12 जून 2021 को एक मंदिर में हिंदू विधि विधान से प्रेम विवाह किया था लेकिन सास कौशल्या देवी, ससुर झारू पासवान और पति बंटी पासवान ने उसे दहेज के रूप में 1 लाख रुपये, 2 जेवर और मोटरसाइकिल मायके से लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब वो दहेज नहीं देने की बात कहने लगी तो सास कौशल्या देवी, ससुर झारू पासवान और बंटी पासवान ने पिछले 24 जनवरी को उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला के पेट में गैस सिलेंडर से जोरदार प्रहार किया गया जिसमें उसका गर्भपात भी हो गया। इस दौरान वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और अपनी नानी के घर जगदीशपुर के अंगारी चली गई। हालांकि इस मामले में लोदीपुर थाना की पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए ससुराल वालों को समझा बुझाकर सुलह करवा दिया, बावजूद इसके पिछले 13
13 मई को ससुराल वालों ने पिटाई कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो अपने नाना गोवर्धन पासवान के साथ अपने पति का फोटो भी CTSP को देने शनिवार को गई, लेकिन किसी कारणवश उनसे मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पति हमेशा अपने पास देसी कट्टा रखता है और इसी से जान मारने की धमकी भी देता है। उसने पहले भी आवेदन के साथ बंदूक हाथ में लिए अपने पति का फोटो पुलिस के आला अधिकारियों को दिखाई है, लेकिन पति को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करना तो दूर, पुलिस उससे पूछताछ भी नहीं कर पाई है। परेशानी यही है सर कि मेरा पति मतलब शादी किया लव मैरिज अब रखने के लिए नहीं चाह रहे हैं। बोलते हैं तो बोलता है कि हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, तुमको नहीं रखेंगे, तुम्हारी जैसे जैसे कई गो को हम इसी तरह से करके छोड़ दिए हैं। और शादी हुए 2021 छठा महीना में। और आपसे पहले और किसी शादी किया था वो? क्या नहीं तो क्या बोला कि हम इतना छोड़ देते हैं? हाँ मतलब वो किसी और से अभी भी टॉर्चर में है, मतलब किसी से बात उत करता है, प्यार मोहब्बत करता है, और अभी भी तीन बच्चे माँ से मतलब बात उत करता है। तीन बच्चे के माँ से बात करता है? हाँ। ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? ससुराल वाले यही बोल रहे हैं कि मतलब हम नहीं रखना चाहते हैं, और वो भी मतलब उसका माँ बाप जो बोलता है वही सुनते हैं। ससुराल में आप कितने समय तक रहे? एक साल तक। साल भर रहे, उसके बाद छोड़ दिया गया? हाँ, यही पांचवा महीना में मारपीट करके भगाए। एक गाड़ी प्रशासन के सामने हमको निकाले, लेकिन प्रशासन भी कुछ नहीं किए। प्रशासन सिर्फ बोले कि जाओ जा करके दो दिन रहो, दो दिन के बाद हम रखवा देंगे। शिकायत किए थे इसका? लोधीपुर महिला थाना DIG साहब SP साहब के पास सगरे गए थे, पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। DIG साहब यही बोले कि जाओ SP साहब के पास। SP साहब के पास जाते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है। भागलपुर के मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के दौरान कटिहार जिला के पोठिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 18 वर्षीय बाला कुमार यादव की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के पिता उदय कुमार यादव ने कटिहार जिला के पोठिया ओपी प्रभारी संजय सिंह और पैक्स अध्यक्ष दिलीप यादव और उनके पुत्रों पर थाने में रखकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि पिटाई के कारण ही युवक की मौत हुई है। मृतक के पिता का कहना है कि 19 नवंबर को उनके बेटे का एक्सीडेंट कुसिया मोड़ के पास हुआ था, जिसमें उनके बेटे के मोटरसाइकिल से बकरी की धक्का लगने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद पोठिया थाना पुलिस बाला कुमार को थाना ले गई और वहां हाजत में बंद कर दिया, जिसके बाद पैक्स अध्यक्ष और थाना प्रभारी के द्वारा बेटे की बुरी तरह से पिटाई की गई और गले में गमछा बांध कर खींचा गया। साथ ही थाने में उसको उल्टा लटका कर भी पिटाई की गई। पिता का कहना है कि पैक्स अध्यक्ष की बेटी 18 तारीख को गायब हो गई थी और उसी को भगाने का आरोप बेटे पर लगाकर उसकी पिटाई रात भर की गई। वहीं 20 तारीख को बेटे को छोड़ दिया गया, जिसकी हालत गंभीर देखकर उसे पूर्णिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां हालत बिगड़ने पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं यहां भी अस्पताल में बरारी पुलिस के द्वारा फर्द बयान नहीं लिया गया, वहां सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। मृतक के पिता का कहना है कि पोठिया थाना प्रभारी यहां भी आए थे और पुलिस वालों से बातचीत कर धमकी देकर गए हैं। वहीं बेटे की मौत के बाद पिता न्याय की मांग कर रहे हैं। 19 तारीख को शादी के लिए वहां जा रहा था, कटिहार कुसियारी मोड़ के पास जो है ये एक्सीडेंट कर गया तो पीछे वाला जो लड़का था उसका पैर टूट गया, स्क्रेच आया था तो यह गिर गया। ता तक उधर से पुलिस गश्ती गाड़ी आ रहा था, इसको बैठा लिया और जो जिसको चोट लगा था उसको उपचार के लिए भेज गया। इसको जो है ले जाके बंद कर दिया, बोला कि रे क्या रे माधरचंद कहाँ है लड़की रे, ये सब बात नहीं बोला, एक्सीडेंट कैसे हुआ, बकरी को कैसे चिपाया, सब कोई गोप नहीं। उसको डायरेक्ट बोलता है लड़की कहाँ है माधरचंद बताओ तुम, कहे कौन लड़की हम नहीं जानते हैं। तो कहता है दिलीप सरपंच का बेटी कहाँ है, कहे हम कैसे जानते क्यों ले गया नहीं ले गया। इसको रात में पुस्ट मार मारा 19 तारीख को रात में सरपंच और थाना प्रभारी। का थाना प्रभारी और सरपंच ये पोठिया ओपी का जो है ये लोग पुस्ट मार मारा मेरा बेटा को, गला में जो है गमछा से लगा के पूरा घिंचा है, इसमें पूरा स्क्रेच आया है इसमें सबसे ज़्यादा। उसके बाद जैकेट खोल के हथकड़ी दोनों लगा के आम गाछ में बांध के सरपंच और थाना प्रभारी खुद मारा है पुस्ट जिसको कहता है। उसके बाद सवेरे जो है ये मेरा छोटा बेटा है, इसको हम भेजें कि जाओ चाय दे देना उसको, तो सरपंच और उसका दोनों पुत्र वहीं पर था मौजूद, थाना प्रभारी नहीं था, दो गो सिपाही था। इसको बोला अभी जाओ यहाँ से भागो, फिर 8 बजे सुबह उसको निकाल के फिर मारा कि बताओ तुम कहाँ हमारा बेटी को रखा है, बताओ तुमको मालूम है। उसके बाद हम जो है ये लोग मारपीट करके चला गया। उसके बाद हमको वहाँ से बोला कि इसको ले जाइए, अब
तो वहाँ 25,000 मांगने लगा। हम बोले हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे, हम 10,000 टका उसको दे के छुड़ा के लाए। तो हमको वही बात नहीं बताया कि हमको मारा पीटा है, वह सारी बात अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे हमको दिलीप यादव और थाना प्रभारी हमको 4 बार रात में निकाल के मारा है और सुबह में भी 8 बजे मारा है निकाल। उसलिए जो है उसको जो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, हल्का फल्का जो फीवर आया। दूसरे दिन जो है मुंह से उल्टी लेट्रिन से ब्लड गिरना शुरू हो गया। 2 दिन तक वह जो है बेड पे रहा, ऐसे लोकले में हम दिखाए। उसके बाद हाजत में था क्या? जी हाजत में। 19 तारीख को पकड़ा, 20 तारीख को 3:30 बजे लमसम छोड़ा गया। भागलपुर जिला प्रशासन अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, जिसको लेकर भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के रेवेन्यू ऑफिसर मुकेश कुमार के नेतृत्व में दक्षिण क्षेत्र स्थित भोलानाथ पुल सहित आसपास के इलाकों में अतिक्रमण करने वालों को नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कई इलाकों में आम लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इसको लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस दी गई है। वहीं 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया है। अतिक्रमण मुक्त नहीं होने की दिशा में आगे जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है। अतिक्रमण के कारण स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इसको लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में कई सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने की शुरुआत की गई है। पुल को खाली कराने के लिए चलाया गया था, जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको खाली कराने के लिए चलाया गया है और हमने इसमें नोटिस भी दिया हुआ है, 2 नोटिस दे दिया गया है और जो लोग खाली नहीं किया उनको हम खाली कराएंगे। जिसमें कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया है? नोटिस होती है, नोटिस 1 और नोटिस 2 होती है, उसमें कम से कम 1 महीने का समय मिल जाता है। ये पहला नोटिस था? नहीं नहीं, नोटिस दोनों हो गए हैं, दोनों नोटिस हो गए हैं। आप अपने तरफ से क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम जो भी मान लो जो नहीं खाली किया उसको हम खुद से खाली करवाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने से खाली कराने के लिए मान गए हैं। समय की मांग की गई 1 हफ्ते की, उसमें वो लोग खाली कर लेंगे। सर नोटिस देने के बाद इस समय ऐसा क्यों? नोटिस देने के बाद भी अगर मान लीजिए जिससे यहाँ पे मकान टूट रहा है, नहीं है तो वो लोग ज़्यादा नुकसान ना हो या किसी बोलते हैं जन उनका क्षति ना हो, इसके लिए सोच रहे हैं कि सब साथ मिल के तोड़ देंगे खुद से। बस भोलानाथ पुल क्षेत्र में ही टूटेगा ये? हाँ पूरा, यहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम खाली कर रहे हैं। कितने मकान टूटने का अनुमान है? अनुमान तो अतिक्रमण के गिरफ्त में जो है कितना मकान, हाँ इसका कोई इतना आइडिया नहीं है। पूरा यहाँ से जो रोड आएगा सबको खाली कराना है। मालदा डिवीजन की DRM विकास चौबे भागलपुर स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पूरे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान DRM ने रेलवे प्रशासन के द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कराए जा रहे विकास कार्यों को बारीकी से देखा। वहीं स्टेशन पर बनने वाले मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के जगह का भी मुआयना किया। इस दौरान DRM विकास चौबे ने कहा कि भागलपुर रेलवे स्टेशन मालदा डिवीजन में सबसे ज्यादा यात्री की आवाजाही करने वाला जंक्शन है और उसकी सुविधा के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कई कार्य जो चल है उसमें तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को DRM के द्वारा दिया गया। निरीक्षण के दौरान मालदा डिवीजन के कई अधिकारियों के साथ भागलपुर स्टेशन के स्टेशन मास्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हमको केवल फीडबैक रिपोर्ट मिलती रहती है, जिसको कि मैं केयरफुली आगे अब साहिबगंज पिरपैती दो जगहों पे जाना है जहाँ निरीक्षण करना है। कुछ विशेष बिंदु है वहाँ स्टेशन को लेकर? मुझे स्टेशन यार्ड से लेकर के कुछ काम है जिसमें कि गति बढ़ाने वाले काम वो देखने हैं। यार्ड को लेकर रेल मंत्रालय से कुछ आदेश है? नहीं, रेल मंत्रालय से कोई आदेश नहीं है, लेकिन हमको अपनी स्पीड, जैसे कि अभी आपसे चर्चा कर रहे थे कि स्पीड, क्योंकि कुछ अवरोध लगे हुए हैं तो वो क्यों लगे हैं, उनमें क्या सुधार करने से वो अवरोध हट सकते हैं, तो ये इसकी थोड़ा सा इंस्पेक्शन करके और हमारे पूरी टीम अवेलेबल है, तो टीम के साथ उसका समाधान निकालना है। नहीं इधर नहीं, अब मैं पिरपैती और साहिबगंज की तरफ। मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि हमारे ये क्षमता के लेवल से ऊपर की चीज़ है। अवरोध कब तक खत्म होगा? जी सॉरी, अवरोध कब तक? नहीं, ये अवरोध क्या, आप गलत समझ रहे हैं। ये अवरोध जो है वो कोई अवरोध नहीं है, ये हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कि 130 की गति से गाड़ियां चला सके। वो गाड़ी जब हमारी हम अपनी तरफ से ऑपरेशनली रेडी कर रहे हैं ना अपने आप को, बट ये निर्णय जो ये 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा।
नहीं, ये कहना तो मुश्किल है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, ये कहना मेरे स्तर पे बहुत है। सर यहाँ से विक्रम शिला ट्रेन ठीक खुलती आगे जाके फिर विक्रम शिला ट्रेन लेट हो जाती है आनंद विहार पहुँचते पहुँचते, इसका क्या कारण है, इस पर कभी विशेष आपने ध्यान दिया? नहीं, ये एक्चुअली हमारे कार्य क्षेत्र के बियॉन्ड का एरिया है, तो हमको ये कोशिश ये रहती है कि यहाँ से राइट टाइम पर जाए। तो आप ये देखते होंगे कि यहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट होने में लेट नहीं होती, तो कई बार ये भी हो जाता है कि ट्रेन का रेक लेट आया, रेक लेट आने के बाद अगली बार लेट हुई, वो पूरा साइकिल बन जाता है। विक्रमशिला के साथ ये कभी संभावना नहीं है, आप अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो ट्रेन यहाँ से हम राइट टाइम स्टार्ट करते हैं। कुछ नया स्मार्ट सिटी के लोगों के लिए कुछ नई बातें, नई जानकारी कुछ देती रही है? अब स्मार्ट सिटी का तो सब्जेक्ट हमारे एरिया के बियॉन्ड है, हम लोग लव मैरिज किए जाने से खपा लड़की के पिता और भाइयों ने अपने ही दामाद के ईंट के भट्टे में आग लगा दी। आगजनी की घटना में लाखों रुपए क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। मामला भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर बिहार का है, जहां देर रात एमसीबी भट्टा को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाबत ईंट भट्टा के संचालक मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि मैंने लव मैरिज की है, इस बात को लेकर मैं ससुराल वाले काफी खपा है। भट्टा मालिक ने अपने ससुर मौलाना मोहम्मद इस्तेखार और उसके दो बेटे मारूफ और खुसरू पर आगजनी का आरोप लगाते हुए बताया कि आगजनी की घटना में उसे लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सबौर पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मैंने 2014 में लव मैरिज शादी किया था और मैंने मेरे ससुराल जो है मात्र 4 कदम की दूरी पे है, वो लोग जमींदार परिवार के हैं, मुस्लिम में भी बड़ा जाति और छोटा जाति होता है, हम छोटे जाति से हैं, वो बड़े जाति से हैं। कहने का अर्थ ये है, मैंने जो क्वेश्चन किया आपसे कि अभी ये जो आग लगी है ये रात में हम भट्टा है। हाँ, अब मेरा भट्टा है, हम घर गए 10 बजे करीब, तो हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा हो रहा था, तो इसमें वो लोग और जो है मेरे ससुर मौलाना मोहम्मद इस्तेकाक जो बरारी में प्रिंसिपल है और उनका दो बेटा मारूफ और खुसरू और एक अहमद उसका चचेरा बेटा और एक ये नासिर नाम का लड़का है जो छोटा ही है, लेकिन वो बहुत घर पे भद्दा भद्दा गाली और जो भी देना था दिया, घर से हम वहाँ से झगड़ा करके यहाँ चले आए सर। रात में 10 बजे? 10:30 आए, उसके बाद हम अपने गार्ड को खाना खाने भेज दिए। कब लगी है आग? आग लगी वही करीब 11:15 के बीच। आप उस समय नहीं थे? हम थे, मतलब 10:30 अपने गार्ड को देखा आग लगाते हुए किसी को? वो खुद साला तो सब था कि घर पर तो झगड़ा हुआ ही था, साला आग लगाया, साला सब मेन ससुर और वो दौलत के बहुत बड़े भूखे हैं, इसलिए कि मेरी वाइफ को दौलत उनके चचा गोद लिए थे उनके लिए। यानी आपका कहने का अर्थ है कि आपका साला और ससुर आग लगाया आपकी संपत्ति? और भी उनके गोतिया में से कुछ लोग उनके साथ दिए। एफआईआर किया? अभी FIR ने रात में फायर ब्रिगेड जो भी था मैंने सबौर थाना को इन्फॉर्म किया, सारे लोग आए, यहाँ करीब 10-12 गाड़ी जमा हो गई थी, पहली दो छोटी गाड़ी आग बुझाने के लिए आई, फिर बड़ी गाड़ी आई। सबौर थाना को इन्फॉर्म किए थे? हाँ, मेरा थाना सबौर पड़ता है, बुझाने के लिए आया, आग बुझाने के लिए 3-4 गाड़ी आई थी सर। आग तो अभी भी देख रहे हैं लग रहा है सर, उसमें इतना चीज ही था सर। आग इसका मतलब दमकल नहीं बुझाया? दमकल तो है लेकिन उसमें 25 टायर था सर, मतलब भट्टे में जब आग लगती है सर तो 200 कुंटल लकड़ी होती है। यानी कहने का अर्थ है ये जो आग लगा आपके यहाँ कितने क्षति हुई है आपको? कितना? मोटा मोटी नहीं, कम से कम तो 5 लाख से कम की क्षति हमको नहीं हुई है। दरोगा जी चोरी हो गई गाने तो आपने सुने होंगे, जिसमें एक दरोगा जी बैठे हैं और बारबलाएं नृत्य कर रही हैं। ऐसा ही कुछ नजारा कहलगांव के अमडांडा थाना क्षेत्र में देखने को मिला एक वायरल वीडियो में। दरोगा जी धूम्रपान निषेध दिवस के दिन शपथ खाए कि हम लोगों को धूम्रपान से दूर रहना है, वहीं दरोगा जी इस वायरल वीडियो में जमकर धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बारबलाओं के साथ दरोगा जी चोरी हो
गई सहित कई अश्लील गीतों के बोल पर जमकर झूमते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दरोगा जी खुलेआम धूम्रपान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो 9 नवंबर की रात कहलगांव अनुमंडल के आमडंडा थाना क्षेत्र से सटे माँ काली नाट्य मंच का बताया जा रहा है, जिसमे वर्दीधारी दरोगा तनाव मुक्त होकर अपने सहकर्मियों के साथ बाल बालाओं के अश्लील गीतों के बोल पर नृत्य का आनंद लेते दिख रहे हैं। अब प्रशासन ही शबाब और शराब के बीच नजर आएगी तो आम पब्लिक क्या करेगी। अब सवाल सीधे मुख्यमंत्री पर उठता है कि क्या यही है आपकी सुशासन की सरकार, जहां बाल बालाओं के नृत्य का आनंद लेते हुए धड़ल्ले से पुलिसकर्मी धूम्रपान करते दिख रहे हैं। भागलपुर में 2 दिनों तक चलने वाला कृषि यंत्रीकरण मेला की शुरुआत हो गई। इसका आज विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम कृषि भवन परिसर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंडों से आए किसान की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य है किसानों को सहूलियत के हिसाब से खेतों में यंत्र कम लागत में मिल सके और बड़ी लागत में बैंक के द्वारा कुछ छूट मिल सके, जिससे वो अपने फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से कर सके और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि यह बिहार सरकार की अच्छी पहल है, इससे किसान लाभान्वित होंगे और वह कुशलतापूर्वक किसानी कर पाएंगे और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। खुशी की बात यह है कि कार्यक्रम 3 साल बाद आयोजित की गई है, जिसमें तकरीबन 90 कृषि यंत्र को शामिल किया गया है। सांसद ने सबों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार सरकार आपके साथ है, आप अपने उपयोगिता के हिसाब से यंत्र को खरीदें और अपनी किसानी में इसका उपयोग करें। कार्यक्रम दौरान सांसद अजय मंडल के अलावे संयुक्त निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी, उपनिदेशक, सहायक संरक्षण वैज्ञानिक पदाधिकारी, सहायक संरक्षण मिट्टी पदाधिकारी सहित दर्जनों वैज्ञानिक व सैकड़ों किसान कार्यक्रम में मौजूद थे। खेती के विषय में जिस यंत्र का भी प्रयोग होना चाहिए उनके विषय में जानकारी दे रहे हैं और सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो अनुदान की राशि है, किस मशीन पर कितनी राशि है, उनको भी बताने का काम कर रहे हैं और किसानों को उस मशीन को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं इस मेला के माध्यम से। क्या लगता है सर, कहां तक सफल हो रहा है? ये सफल ही हो रहा, आप देख रहे हैं कि मजदूरों की कमी के बावजूद भी किसान अच्छे फसल उगा रहे हैं, तो ये सफल का ही नतीजा है। ये तो सही है, लेकिन बहुत सारी सिंचाई की सुविधा ना होने के चलते भी किसान, आप देख रहे हैं कि सिंचाई की सुविधा के लिए बिहार सरकार के द्वारा खेतों में बिजली चला गया है, वहाँ मोटर का प्रबंध किया जा रहा है, नहरों की खुदाई चल रहा है, तो ये तो सिंचाई के और आगे बढ़ने का ही एक माध्यम है ना।